सेवादल यंग ब्रिगेड के तत्वाधान में कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड पूर्वी जोन के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशुधर द्विवेदी द्वारा नियुक्त किए गए पूर्वी जोन के महानगर अध्यक्ष मुकुंद नारायण दुबे, कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड के जिला संयोजक इंजीनियर नवीन कुमार श्रीवास्तव एवं कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड के जिला सह संयोजक जय चौबे के गोरखपुर प्रथम आगमन पर मंगलवार को मोटरसाइकिल जुलूस निकालते हुए ग्रामीण विधानसभा के भगत चौराहे से देवरिया बाईपास के विभिन्न मार्गों से होते हुए इंदिरा तिराहा गोलघर पहुंचे और इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कांग्रेस जनों ने नेताओं का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी, जिलाध्यक्ष राकेश यादव, डॉक्टर सैयद जमाल, ऋषि यादव, दिनेश चंद श्रीवास्तव, शशांक पंडित, प्रमुख प्रवक्ता दिलीप कुमार निषाद, विक्रांत शाही, निखिल मिश्रा, विशु राजपूत, महावीर मिश्रा, योगेश प्रताप सिंह, वरुण मिश्रा सहित अन्य कांग्रेसी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सेवादल यंग ब्रिगेड कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मुकुंद नारायण दुबे और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, मैं अपने सभी सम्मानित भाइयों और मित्रगणों को अपना धन्यवाद देना चाहता हूं जो यहां पे मेरे साथ उपस्थित हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। मैं इस पे खड़े उतरने का निवेदन करता हूं और आशा करता हूं कि मैं हमेशा इस पे तत्पर रहूं। मैं अपने नौजवान युवा को अपने साथ लेकर के हमेशा साथ लेकर के चलने की आशा करता हूं और एकदम इस पे खड़े उतरेंगे, ये मैं वादा करता हूं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय। जिस तरीके से नौजवानों का उत्साह हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रति है, हमें विश्वास है कि 2019 में पुनः हम सत्ता में काबिज होंगे, क्योंकि जो इसके पहले की पार्टी नौजवानों से धोखे देकर सत्ता हासिल की थी, झूठे प्रलोभन देकर सत्ता को कब्जा करने का काम किया था, अब उसके वो मंसूबे ढेर हो जाएंगे और फिर पुनः नौजवानों की सरकार बनेगी, कांग्रेस की जो है केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनेगी।